हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम खड़े हैं टाटा नेक्सॉन के सामने। इंडिया की टॉप सेलिंग कार्स में ये अभी अपना नाम दर्ज करा चुकी है, मार्केट में राज कर रही है, लोगों के दिलों पे राज कर रही है। नया वेरिएंट लॉन्च करा है ये अभी XZP, पी से प्रीमियम, तो देखते हैं कितनी प्रीमियम कार है। तो ये हम लुक की बात करें तो काफ़ी मस्कुलर लुक है। आप सामने से इसका बोनट देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चौड़ा, काफ़ी ज़्यादा हैवी है। सामने क्रोम का लोगो मिल जाता है, पीछे ग्लॉसी ब्लैक कलर मिल जाता है, नीचे आपको ट्राई शेप ग्रिल मिल जाती हैं जो कि अभी टाटा का सिंबल बन चुकी है, और उससे नीचे सिल्वर कलर की स्किड प्लेट मिल जाती हैं। नीचे आपको ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा मिल जाता है। हम बात करते हैं हेडलैम्प की, तो हेडलैम्प्स काफ़ी शानदार हैं। हेडलैम्प प्रोजेक्टर यूनिट और हेलोजन हाई बीम में देखने को मिलेगी, और लो बीम आपको प्रोजेक्टर में देखने को मिलेंगे। येलो बल्ब आता है इसमें, नीचे फॉग लैंप मिल जाते हैं, फॉग लैंप आपको प्रोजेक्टर यूनिट में मिल जाएंगे। तो एक काफ़ी शानदार आगे से लुक दी गई है। बात करते हैं इसके साइड की लुक की, तो आप देख रहे हैं ब्लैक और वाइट काफ़ी ज़्यादा आपस में बहुत ही ज़्यादा सूटेबल लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी कार लगती है ये। तो ये देखिए इसकी लुक, बहुत ही शानदार लुक है। एलॉय की बात करें बहुत ही ज़्यादा सुंदर, डी कट में इसके एलॉय व्हील्स हैं, डायमंड कट जिसे हम बोलते हैं, और 16 इंचेस के इसके एलॉयस हैं। साइज़ मिल जाता है इसमें 215/60R16 का, तो काफ़ी ज़बरदस्त साइज़ है। ऊपर आपको ब्लैक कलर की क्लाइडिंग मिल जाती है, जो ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली, बहुत ही शानदार लुक दी गई है। ऊपर उसके आपको देख रहे हैं एक मोटी ब्लैक कलर की क्लाइडिंग दी गई है डोर्स पे। ग्लॉसी ब्लैक कलर में आपको ये साइड ORVM मिल जाता है विद इंडिकेटर, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। उसके साइड में आप देख रहे हैं ब्लैक के साथ कितना अच्छा इसमें टच दिया गया है। पीछे आप देख रहे हैं, पीछे भी मिरर्स के साइड में ब्लैक का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल करा गया हुआ है, और वो ब्लैक मैट कलर में मिलता है। तो काफ़ी शानदार लुक हम कहेंगे, काफ़ी ज़्यादा इसके लुक्स पे ध्यान दिया गया है। अब बात करते हैं हम रियर लुक की। रियर लुक में कुछ लोग बोलते हैं कि हमें अच्छी लगी, कुछ कहते हैं नहीं लगी, तो आप मुझे कमेंट में बताएं इसकी लुक आपको कैसी लगी। तो ऊपर हाई माउंट लैंप मिल जाता है, वाइपर्स मिल जाते हैं, डिफॉगर मिल जाते हैं, नीचे आपको ये सिल्वर कलर की स्किड प्लेट मिल जाती है। ऊपर बम्पर पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, साइड में पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, ये नेक्सॉन की बैजिंग मिल जाती है, और बूट स्पेस हमें इसमें अच्छा खासा मिल जाता है। तो बूट स्पेस हमें इसमें 350 लीटर का मिल जाता है। पीछे आप देख रहे हैं टाटा का लोगो मिल जाता है, ग्लॉसी कलर का ब्लैक कलर मिल जाता है, वाइपर्स मिल जाते हैं। ऊपर आपको एंटीना मिल जाता है डी कट में, जो कि काफ़ी शानदार लगता है। रूफ रेल्स आप देख रहे हैं ब्लैक और ग्रिल, ब्लैक और सिल्वर में आपको इसका टच मिल जाता है, तो काफ़ी शानदार। टेल लैंप्स काफ़ी ज़्यादा शानदार है इसकी, देखिए टेल लैंप बहुत ही शार्प, बहुत ही सुंदर रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, जो कि बहुत ही शानदार लगती है। नीचे रिफ्लेक्टर्स मिल गए आपको, तो मुझे एक तरीके से मैं बोलूँगा कि काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है इस बार इसकी बैक पर, बहुत ही शानदार। तो अब हम बात करते हैं इसके, एक बार इंटीरियर की बात कर लेते हैं कि इंटीरियर इसका कैसा है, क्योंकि पी से प्रीमियम जैसा कि मैंने आपको बताया, तो देख लेते हैं कितनी प्रीमियम है। तो डोर कुछ इस तरीके से दिखता है, वाइट और ब्लैक का इसमें इस्तेमाल किया हुआ है, डबल टोन में है। पियानो ब्लैक एक अलग से ही शाइन दे रहा है। उस पर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ORVM कंट्रोल्स ऊपर मिल जाते हैं, ये आपको विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। डोर लॉक आपको ये क्रोम कलर में मिल जाता है, नीचे आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं, ऊपर ट्यूटर्स मिल जाते हैं, और वाटर बोतल होल्डर्स मिल जाते हैं। ये इस तरीके का इंटीरियर है। इंटीरियर आप देख रहे हैं ब्लैक कलर में और वाइट कलर में इसका इंटीरियर है, डुअल टोन में इंटीरियर है इसका। और सीट्स का फैब्रिक वाकई बहुत ही लाजवाब है, और जो आप ये देख रहे हैं ना सीट में छेद ऐसे ही नहीं है, ये एक वेंटिलेटेड सीट्स हैं। सामने आप देख रहे हैं स्टेयरिंग इसका, डी कट में इसका स्टेयरिंग दिया गया है मैट ब्लैक के साथ, जो आप ये देख रहे हैं उसके साथ में ग्लॉसी ब्लैक का इस्तेमाल करा है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एक साइड में आप देख रहे हैं ये इंफोटेनमेंट सिस्टम में मिल जाता है, और इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स मिल जाते हैं हैंडल पर ही। सामने ये आपको स्क्रीन मिल जाती है 7.5 इंचेस की, नीचे आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, पियानो ब्लैक में आपको फिनिश मिल जाती है। उस पर भी देखिए नेक्सॉन लिखा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा गजब लग रही है। नीचे इसमें फिर से पियानो ब्लैक का इस्तेमाल किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको मोड्स मिल जाएंगे। आर्म रेस्ट मिल जाती है विद लेदर स्टिचिंग आपको वाइट कलर की इसमें दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा शानदार दिख रही है। ये देखिए ब्लैक कलर की सीट्स और उस पर ये वाइट कलर की स्टिचिंग, बहुत ही ज़्यादा शानदार। दूसरे डोर पर भी आपको उसी तरीके से वाइट कलर और ऊपर ग्लॉसी ब्लैक का इस्तेमाल है, नीचे स्पीकर्स मिल जाते हैं। ये देखिए AC वेंट साइड में, ये देखिए ट्रायो शेप का यहाँ अंदर भी इस्तेमाल किया हुआ है, बहुत ही अलग टेक्सचर और बहुत ही सुंदर लगता है अब ये।
इस तरीके का आपको क्लस्टर मिला हुआ है, आपको काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन आपको डैशबोर्ड मिला हुआ है, काफ़ी बिग लग रहा है डैशबोर्ड। ये आपको ऊपर ये सनग्लास होल्डर्स मिल जाते हैं, लाइट मिल जाती है। तो इस तरीके से कुछ ये हमें अंदर से दिखती है। पीछे की आप सीट्स देखिए, देखने में काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है। अभी पीछे भी चलते हैं, देखते हैं कि कितनी कंफर्टेबल है ये सीट्स। देखने में तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है और बहुत ही सुंदर भी लग रही है। तो एक बार पीछे की भी बात कर लेते हैं। तो पीछे से हमें सेम डोर मिल जाता है, वही क्रोम में ये लॉक हैंडल मिल जाते हैं। ऊपर आपको ये हार्ड प्लास्टिक मिल जाती है, नीचे ग्लॉसी ब्लैक है। तो इसमें सॉफ्ट टच आपको कहीं नहीं मिलेगा, फुल प्लास्टिक हार्ड मिल जाती है। नीचे स्पीकर्स मिल जाते हैं, ऊपर ट्यूटर्स मिल जाते हैं। सीट्स देखिए, आगे की मैं बोल नहीं सकता कि कितनी आपको कंफर्टेबल इसकी सीट लगेंगी, लेकिन पीछे से तो इसमें इस सीट का मतलब और इस सेगमेंट में इससे ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स आपको और किसी की नहीं मिलेंगी। पीछे एसी वेंट्स मिल जाते हैं ग्लॉसी ब्लैक में, आर्म रेस्ट पीछे भी आपको मिल जाएगा विद टू ग्लास होल्डर्स, और काफ़ी अच्छा खासा साइज़ है आर्म रेस्ट का भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए इसमें इस तरीके से आगे का पूरा डैशबोर्ड दिखता है, एक प्रीमियम डैशबोर्ड, प्रीमियम इंटीरियर हम बोल सकते हैं इसको। तो जो हमें जो ये मॉडल XZP से प्रीमियम हम कह सकते हैं कि गाड़ी का जो प्रीमियम जो है वो काफ़ी इसको जस्टिफाई करता है, अगर हम प्रीमियम इसे बोले तो। पीछे ये आपको प्लेट्स मिल जाएंगी। तो ओवरऑल आपको ये गाड़ी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आज की वीडियो में हमें इतना ही। तो ये थी हमारी टाटा नेक्सॉन, कितनी आपको पसंद आई हमें कमेंट्स में बताएंगे, बहुत ही लाजवाब गाड़ी है। तो थैंक यू, इसी तरीके से बने रहें वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताएं आपको गाड़ी कैसी लगी।